लोकों को जीविकार राहा देखाई आंब थड़ा आंब ऋतु सरवापर मध्य आंबर मजा दे था आंब थड़ा हेले आंबर तैयारी होता आंब थड़ा अनेक लोक रोजगारक्षम कराई केन्दुझर जिलार अनेक गाँ अच्छी सेमु सुआकाटी पंचायतर दौला ग्रामर अनेक लोक यही आंब थड़ा प्रस्तुत कर जीविका निर्वाह कर प्रत वर्ष बहुमे आंब थड़ा प्रस्तुत कर बिक्री कर अर्थ रोजगार करठाकार लोक मैंने आम निजे घर कर घर कर गोटे पटिया नुआ पटिया आम कोटिक घोल कर हाँ खुशी होती तार जिनसा खुशी हो ना बिक्री पचास शहे घंच जंगल तथा पहाड़ में परिपूर्ण यह ग्राम से विभिन्न समय फसल को हाथीपल नष्ट कर लोकों जीविका पलटी जा आंब थड़ा गाँव में बहुमे आंब गछ भरपूर रही प्रत्येक वर्ष आंब ऋतु आंब बिक्री सहित तो आंबूल एवं आंब थड़ा प्रस्तुत कर जीविका निर्वाह कर एठाकार लोके जंगल रु आंब आंब को धोई दौ धोई दे कि नुआ पटिया कि नहीं करी आंब को धोई करी गोटे बाड़ी रे कुटी करी टांको को फिंगी दौ आंब गुड़ को नुआ पटिया बिक्री करूँ घाटी करी दुई तीन मास घाटिला पर सी बहरिया आई जाए बहरिया आला पर छुरी रे काटी करी बाणी रे आनी करी बिकूँ डेली छः सतटा बाणी बिक्री करूँ जे भावती रेट दियंती जे नहीं भावती कम रेट रे नहीं जाती हाँ लोक खुशी कर नुआ जिनसा खाइले भल हम कहते मस दुई मस जो दुई मस बिक्री करूँ हाँ पर भाया कष्ट कर चलाऊ आम सरा बिक्री हो गाँव में जो आंब आसा से आंब अधिक आंब रू आम आम सरा घाटू आउ कि आम हाथ रू आम सरा जी आम घर आनीचु गाँव में जी संग्रह कर गाँव रू ठुड़ी आणुचु आणिक आम किलो प्रति आज पाइन पाँच टाँह दस टाँह पाइक आम मंजी पंस मंजी ठुड़ी आणुचु मार्केट रू कि गाँव रू कि मार्केट बुल किचु किनलापर आम पेट पोष आम सड़ा बिकिकी पाऊँ से आज पाँच टाँह आने शहे टाँह पाइल से शहे टाँह नहीं पेट पोषल खुशी बहुत किए किलो नौते दुई किलो नौते खाऊ आम सड़ा इना पूरा किए दुई किलो किए चार किलो किए पांच किलो धरिकी भुवनेश्वर जाऊँच कटक जाऊपुर जाऊँ के सब जिन आम पाखे नहीं जा आंबू भल भाव धुआ जाए आंबर रस बाहर करस्त परस्त कर सुखा जाए गोटे आंब थोड़ा प्रस्तुत करने प्राय दस रु पंदर दिन समय लगी था प्रस्तुत होगापर ताक बजार बिकी बेस दुई पैसा लाभ करोक मैंने।